वर्तमान जल शुद्धिकरण केंद्र में मरम्मत व अन्य कार्यों के लिए अब 2 नवंबर और 3 नवंबर को 24 घंटे का शटडाउन किया जाएगा। इस कालावधि में लकड़गंज, सतरंजीपुरा, नेहरू नगर, आशीनगर जोन में 28 टंकियों से जलापूर्ति नहीं लेने का निर्णय ऑरेंज वाटर सिटी सप्लाई एवं मनपा की ओर से लिया गया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मुहिम के अंतर्गत पहले चरण में 21.64 लाख की सेहत जांची गई। ग्रामीणों के 77,662 लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में, आंकड़ों में हुआ खुलासा। नागपुर विश्वविद्यालय ने कॉमर्स शाखा के पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी डिप्लोमा बंद करने का लिया फैसला। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। हाईवे पर लगा बीएसएनएल की रफ्तार को ब्रेक, इंटरनेट उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही है तय स्पीड। पहले से ही निजी सेलुलर कंपनियों से मिल रही थी बड़ी चुनौती, 40,000 उपभोक्ता हुए प्रभावित। भारत चीन विवाद का असर दिवाली की सजावट पर भी, भारतीय विद्युत झालर की मांग बढ़ी तो वहीं चीन की मांग घटी। संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने अपनी अंतिम सत्र की परीक्षाओं के नतीजे किए जारी। फार्मेसी की परीक्षा में 99.14% विद्यार्थी हुए पास। मनपा पर ठेकेदारों का 200 करोड़ रुपए का बकाया, दिवाली से पहले भुगतान का दिया लॉलीपॉप। मनपा ठेकेदारों के बीच चल रहा था संघर्ष। वाहनों की तोड़फोड़ करने के मामले में 2 विद्यार्थियों सहित 3 मित्रों को वाठोड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सर्च अभियान में हुआ खुलासा, आपराधिक तत्वों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। रेत तस्कर शराब विक्रेता के खिलाफ हुई कार्रवाई, MIDC थाने में आधा दर्जन कार्रवाई। COVID-19 संक्रमण से सभी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित, मनपा के 135 स्कूल जिसमें 106 प्राथमिक और 29 हाई स्कूल शामिल। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, विद्यार्थी संख्या तक की जानकारी नहीं।